मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस आज हमारे बीच में नहीं है। स्टीफन्स ने कहा था, यदि इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें धरती छोड़कर अन्य ग्रह पर जाना होगा और इंसान को अपने रहने के लिए अब कोई और ही आसरा ढूंढना होगा। इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंस ने यह भी कहा था कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड का पांचवा हिस्सा होगी। ये अंतरिक्षयान बेहद कम वक्त में धरती के सबसे पास वाले तारे अल्फा सेंचुरी तक पहुंच सकेगा, जहां से वो उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सकेगा। हॉकिंस के इस अंतरिक्ष यान का नाम है स्टारशिप। इस स्पेसक्राफ्ट का जैसा नाम है उसका आकार भी वैसा ही होगा। ये स्पेसक्राफ्ट साइज में कुछ सेंटीमीटर का होगा और वजन में कुछ ग्राम का। इसकी स्पीड 10 करोड़ मील प्रति घंटे की होगी। इसके चलने के लिए जरूरी ऊर्जा धरती पर मौजूद किसी सिस्टम से लेजर रे के द्वारा दी जा सकती है। हॉकिंस ने कहा था कि मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इसे 1 घंटे से भी कम वक्त लगेगा। वहीं उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जिस स्पेसक्राफ्ट को 1977 में धरती से छोड़ा गया था उसे पीछे करने में इसे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। सौरमंडल के सबसे नजदीकी सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए इसे सिर्फ 20 साल का वक्त लगेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान के लिए जीने लायक कोई दूसरी जगह ढूंढना है। अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए ये मिशन मौजूदा ग्रहों की जानकारी लेजर बीम के जरिए धरती पर भेजता रहेगा। स्टीफन हॉकिंस ने चेतावनी दी थी, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा और वहां बसना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी। इस धरती का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। Thank you.